जी, फिलहाल बाजार का चार्ट क्या बता रहा है? एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ओवरव्यू दे दीजिए। जी, जैसे कि हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं, तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो निफ्टी अभी फिलहाल काम करा रहा है 17,281 का। अभी इसका करंट भाव है, मैं स्पॉट मार्केट की बात कर रहा हूँ, और इससे पहले एक पैटर्न बना था इसमें डार्क क्लाउड कवर, बट उसका जो टारगेट था कल हमें देखने को मिल गया था। हालांकि इसका टारगेट 16,915 था, बट 17,000 से इसमें रिकवरी देखने को मिली है। आज का अगर मार्केट देखें तो अगर 1 घंटे के बाजार में, तो मार्केट पूरा कंसोलिडेट है, एक ही रेट पे ही मार्केट काफी देर से काम करा रहा है। तो इस वक्त पे कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि यहाँ से बाइंग या सेलिंग क्या करें। कुछ अभी यहाँ से क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई खास पैटर्न नहीं है। पैटर्न 2-3 दिन पहले बना था, उसको ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो गया है। इस रेट पे कहना मुश्किल है, बट फिर भी मैं आपको एक लेवल है जो देना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर इस बार निफ्टी अगर काम कराती है और ब्रेक कर देती है 17,440 का लेवल, तो वहां से इसमें एक हो सकता है कि बड़ी तेजी आपको देखने को मिल जाए। बट इस रेट पे कहना थोड़ा मुश्किल है कि कहाँ जा सकता है, बट 17,440 के ऊपर आप बाइंग पोजिशन इसमें बना सकते हैं। ठीक है उमेश जी, अगर मैं बहुत हल्की बात करूं, एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज में सोचूं, या मेरा अपना जो व्यू है, मैं वो केवल आपसे क्रॉस चेक कर रहा हूं, मेरे को लगता है कि ये जो रिकवरी है निफ्टी की, उसमें मेरे को कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि रिकवरी बहुत फास्ट हो गई। जिस हिसाब से गिरावट हुई, और एक लंबा समय बराबर से गिरावट होती गई होती गई होती गई, और रिकवरी बिल्कुल ही वी शेप्ड रिकवरी है। तो इसलिए अगर मैं कहूं कि इसमें कॉन्फिडेंस नहीं बनता है, इसमें ये नहीं लगता है कि सस्टेन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, और उसके लिए भी हमें थोड़ा टाइम और देना पड़ेगा बाजार को, और ये मंथली एक्सपायरी के बाद कुछ क्लियरिटी आएगी, 31 मार्च के बाद कुछ क्लियरिटी आएगी, अप्रैल के पहले हफ्ते में हम समझेंगे थोड़ा सा। तब तक खबरों का भी सेटल डाउन हो रहा है, जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वाली चीजें हैं, और साथ ही साथ बाजार के अंदर में भी जो जितने भी वो होने हैं, कैरी फॉरवर्ड से लेकर के और क्लोजिंग और सेटलमेंट्स और बहुत सारी चीजें, तो ये वी शेप रिकवरी क्या परेशान कर रही है या कुछ और भी कारण हो सकते? रीजन इसके अलावा भी काफी सारे हैं। अगर मैं आपने आप इतना डिटेल में गए हैं, तो मैं भी थोड़ा डिटेल में रखना चाहूंगा। ये है कि अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडर्स जो है वो ऑप्शन बाइंग ज्यादा कर रहे हैं। आप देखेंगे तो इस टाइम कोई फ्यूचर बाइंग सेलिंग बहुत कम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी लोग हैं, मतलब जितनी मेरी बात होती है लोगों से, वो ऑप्शन बाय करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो होता क्या है, बेसिकली जब ज्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, चाहे कॉल बाय करें चाहे पुट बाय करें, तो और उसमें भी वो क्या चले जाते हैं, वीकली एक्सपायरी पे चले जाते हैं। तो कई बार मार्केट क्या करता है कि मार्केट कंसोलिडेट कर देता है थीटा डीके करने की वजह से, यानी कि उनको जो थीटा का जो लॉस होता है, प्रीमियम का जो लॉस है, उस वजह से ऐसा होता है। तो मार्केट में काफी टाइम से अगर मैं देख रहा हूँ, वी शेप रिकवरी तो आई है, मैं मान गया, बट वी शेप रिकवरी आने के बाद मार्केट बिल्कुल कंसोलिडेट हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि मार्केट में कोई मूवमेंट आती है, वी शेप रिकवरी आई, बिशप जब रिकवरी आई तो लोगों के दिमाग में क्या है कि मार्केट अब तेज है, यहाँ से मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया, अब यहाँ से मार्केट तेज है, और एक तेजी उनके आंखों के सामने दिखाई दी। अब जब आंखों के सामने कोई विशेष रिकवरी दिखाई देती है, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उसमें वो बाइंग करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो वो बाइंग कर ज्यादा पसंद करते हैं, बाइंग करते हैं, तो मार्केट भी बहुत चालाक है, ठीक है, वो भी जानता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो वो क्या करते थे, कहीं वो कोई मूवमेंट नहीं करता, वो ना तेजी दिखाता ना मंदी दिखाता, और वो काफी हद तक कंसोलिडेट करता है। तो उससे क्या होता है, पूरे वीक में 5 डेज होते हैं, 5 डेज अगर मार्केट कंसोलिडेट होता है, एक आध दिन कोई छोटी मोटी मूवमेंट आ भी जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जितने भी बायर्स होते हैं, चाहे ऑप्शन के बायर, चाहे वो कॉल बाय कर रहे हैं चाहे पुट बाय कर रहे हैं, उन सबको नुकसान हो जाता है। तो ये आज के टाइम में ज्यादातर देखने को मिला है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरे हिसाब से अगर पैटर्न्स अगर बनते हैं, पैटर्न के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, और बिना पैटर्न के काम नहीं करना चाहिए। बट ज्यादातर ट्रेडर क्या है, वो कसम खा के बैठे हुए हैं कि मुझे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही काम करना है, वो भी वीकली में। कॉल्स आती है या मैसेजेस आते हैं, सर निफ्टी में क्या लग रहा है, बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है। मैंने कहा जी बैंक निफ्टी निफ्टी में कोई पैटर्न नहीं है, अरे कुछ बता दो, कुछ तो लगवा दो आप। तो उस वजह से वो क्या करते हैं कि जहां पे हम कंसिडर करते हैं कि भाई 30 मिनट अवर्ली 4 अवर्ली डेली का चार्ट देखो, तो वहां पे वो 1-1 मिनट के चार्ट पे जाके कंफर्मेशन लेना चालू कर देते हैं। तो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मार्केट में, और मार्जिन जो बड़े हैं उसकी वजह से लोग अभी ऑप्शन बाइंग में कन्वर्ट हो गए। हालांकि मैं ऑप्शन बाइंग के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद ऑप्शन बाइंग करता हूँ, बट उसमें भी देखना पड़ता है कि कौन सी स्ट्राइक चुन रहे हैं। मैं थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, कौन सी स्ट्राइक चुन रहे हैं, कौन सी एक्सपायरी चुन रहे हैं। एक्चुअल में ज्यादातर लोगों को पे ऑफ तक नहीं पता, वो फोन करते हैं पता
बताते कि जी मैंने स्ट्राइक की कॉल खरीदी है और ये प्राइस चल रहा है तो किस रेट पे एक्सपायरी होगी तो मेरे को प्रॉफिट आएगा। तो ये चीज भी लोगों को क्लियर नहीं है, वो ऑप्शन माइन कर रहे हैं और क्वांटिटी माइन कर रहे हैं। और यकीन मानिए कुछ कॉल्स आए हैं जो मुझे भी हैरान हो गया कि 6-7 लाख रुपए का लोगों ने नुकसान कर दिया ऑप्शंस में और उनके ऑप्शन की एक्सपायरी तक नहीं पता। ठीक है, तो बड़ा रिस्क ले रहे हैं, बड़ी कॉल्स ले रहे हैं लेकिन डिटेल्स नहीं पता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो उमेश जी कह रहे हैं और वो जरूर ध्यान रखने वाली है कि ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है, बस लोग इसको मानते नहीं है, मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हाँ ऐसा है। हम पहले अपने दिमाग में एक व्यू बना लेते हैं कि ये ऊपर की तरफ चलेगा, उसके बाद हम पैटर्न में ढूंढते हैं। वो जो भी उमेश जी जो कह रहे हैं ना, तो किसी भी तरीके से जाकर के चार्ट को अलग अलग तरीके से खोल करके कहीं से वो ग्रीन मिस्टेक देख रहे होते हैं कि ये कहीं से एक कैंडलस्टिक ये वाली है जो बता रही है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, तो केवल उसका कंफर्मेशन चार्ट से जबरदस्ती ढूंढते हैं। और अगर आप ढूंढने चलेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये भी तय बात है कि आप कितना भी खराब से खराब चार्ट उठा लें, अगर बाय साइड में आपने मन बना लिया कि आप बाय करेंगे या कर चुके हैं तो आप ढूंढेंगे और आपको कहीं ना कहीं ये दिखने लगेगा कि अब तो रिकवरी आ रही है, अब यहाँ से बढ़ना शुरू होगा। और वो ऐसे ही उल्टा भी है, अगर आप शॉर्ट करने का सोच रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से एक कोई ऐसा चार्ट खोल लेंगे किसी ना किसी तरीके का जिसमें कि आपको ये दिखेगा या एक डायरेक्शन दिखने लगेगा कि ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये गलत है, चार्ट बताता है कि आपको क्या करना है और हम यहाँ उल्टा करते हैं कि हम ये सोचते हैं हमें क्या करना और उसको हम ढूंढते हैं चार्ट में। तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और वो उस पर अमेजिंग मुझे ये कह रहे हैं ना जी। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ इसमें, एक्चुअल में क्या होता है, जैसे हम बेसिकली हम चार्ट रीडिंग करते हैं, चार्ट क्यों पढ़ते हैं, बेसिकली प्राइस की स्टडी है, भाव को पढ़ना है हमें। तो लोग क्या भाव को नहीं पढ़ते, वो प्राइस नहीं पढ़ते, प्राइस के ऊपर बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा देते हैं, तो उसमें आप मूविंग एवरेज भी लगा देंगे, वो भी 20 दिन की, 15 दिन की, 36 दिन की, ठीक है जी। फिर उसके बाद पैराबोलिक सार लगा देंगे, फिर उसके ऊपर नीचे RSI लगा देंगे, मतलब इतने सारे इंडिकेटर लगा देंगे कि एक्चुअल में प्राइस तो छुप जाता है। काफी लोगों के मैंने चार्ट देखे कि प्राइस चार्ट है, जैसे आप चार्ट देख रहे हैं, चार्ट में कुछ नहीं लगा हुआ, ऊपर प्लेन चार्ट है, ये दिख रहा है प्राइस दिख रहा है इसमें, बट वो क्या इतने सारे इंडिकेटर उसके ऊपर लगा देंगे, वो दिखे प्राइस ही नहीं दिखेगा, ऊपर इंडिकेटर दिखते रहेंगे। तो वो क्या हो रहा है, इंडिकेटर से पूछने की कोशिश करता है। अब क्या होता है लोगों को, जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई चीज बाय कर ली और मार्केट नीचे जा रहा है, अब वो जबरदस्ती ढूंढेंगे, जैसे आपने बोला कि भैया वो टाइम फ्रेम चेंज करेंगे या वो अलग अलग तरीके के इंडिकेटर निकालेंगे, तो इंडिकेटर में थोड़ी सी भी बाइंग आ जाएगी तो वहां पे वो क्या करते हैं, एवरेजिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब मार्केट उनके अगेंस्ट जाता है तो एक ही ट्रेड आपका उनका पूरा पैसा ले जाता है। ठीक है, तो बस वो वाली चीज जो अक्सर कहा जाता है बाजार के अंदर में कि किसी भी ट्रेड से, किसी भी शेयर से शादी मत करें और किसी भी डायरेक्शन से या किसी भी व्यू से शादी मत करें, तो वो वही वाली चीज है, क्योंकि फिर आप उसको हर तरीके से मैनेज करने की कोशिश करते हैं या उसी तरीके से आप, क्योंकि आपने वो व्यू बना लिया है तो आप फिर वो कोशिश यही करते हैं कि उसके अंदर में कैसे भी करके, और फिर बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे जो रूल्स हैं उनको आप साइड लगा देते हैं। आपने जो ट्रेड लिया है वो हफ्ते भर का है और लेकिन आप चार्ट में जो पैटर्न आपने जो खोला हुआ है या जो व्यू खोला हुआ है वो आप 6 महीने से लेकर के 1 साल से लेकर के कौन कौन सी चीजें आप कर सकते हैं, आप कुछ भी करके आपको केवल उस डायरेक्शन के अंदर का एक इंडिकेटर आप ढूंढ करके, तो 100 इंडिकेटर में से कोई एक भी इंडिकेटर अगर आपको आपकी बात के साथ चल रहा होगा आप उसको यूज करेंगे। ये एक साइकोलॉजी है और ये कॉमन है, सबके लिए है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, उमेश जी भी कई बार ऐसे करते होंगे, लेकिन बस इसी को कंट्रोल करने का ही जो हुनर है वो बाजार में आपको फायदा कराता है कि जब आप इसका ठीक उल्टा करने लगे, जब आप चार्ट आपको बताए ना कि आप चार्ट को बताएं कि क्या करना है, तो वो वाली चीजें हैं जो उमेश जी सिखाते भी हैं और करते भी हैं।